गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ आज हमारी बातचीत होगी सी एन एन की एक रिपोर्ट के हवाले से कि पी एम मोदी ने रूस के पोटेंशल न्यूक्लियर अटैक को रोका इसके साथ साथ हम बात इस बात का भी जायजा लेंगे कि नेपाली और इंडियन नेशनल्स यूक्रेन और रूस के महाज़ों पर क्यों लड़ रहे हैं और क्या यूक्रेन और रूस पोप की हिदायत पर जंग बंदी की तरफ बढ़ेंगे नीज भारत में सी ए को नाफ़िस कर दिया गया है इसके भारत पर क्या असरात होंगे थोड़ा सा जायजा हम पाकिस्तानी सियासत का भी लेंगे और आखिर में बात करेंगे कनाडा में जस्टिन टूडो की भर्ती हुई गैर मकबूलियत की तो चलिए बातचीत का आगाज करते हैं सी की एक रिपोर्ट के हवाले से ताहिर गोरा साहब से कि पीएम मोदी ने रूस के यूक्रेन पर पोटेंशियल न्यूक्लियर अटैक को रोका आप इसको कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ज़रूर अपना किरदार अदा किया होगा क्योंकि उन्होंने एक वर्ल्ड स्टेज पे कहा था पूरी दुनिया के सामने प्रेसिडेंट पुतिन को कि हिज़ एक्सीलेंसी ये जो समा है ये जो इस वक्त का ज़माना है ये जंग का ज़माना नहीं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस स्टेटमेंट को दुनिया में बहुत सराहा गया बहुत अप्रीशिएट किया गया लेकिन आ, मैं ये समझता हूँ कि आ, जो ख़बरें बता रही हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन बनी थी गलबंद 2022 के आखिर में जब आ, रूस के सदर बहुत फ्रस्ट्रेट हुए थे आ, जंग में उनको उस वक्त एक तरह से पेशपाई हो रही थी तो उन्होंने कोई शायद किसी किस्म का पार्शल न्यूक्लियर अटैक का सोचा तो ये एक अलार्मिंग सूरत हाल थी लेकिन अब जो ख़बरें आई हैं उसमें ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोई बैकडोर डिप्लोमेसी की उनको समझाया जैसा मैंने कहा कि पूरी दुनिया के सामने तो उन्होंने कहा ही था देखिए यूएसए के दौरे में भी यूएसए के दौरे के दौरान बहुत वाजे उन्होंने ये बात कही थी कि हम दुनिया इस वक्त दुनिया एक एक घर है और इसमें हम ये अफोर्ड नहीं करते कि कोई भी ऐसा कदम लिया जाए कि जिससे किसी को भी नुकसान पहुंचे क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ तो मेरा ख्याल है इस सूरत हाल में उनका ये एकदम जो है वो मेक सेंस भी करता है जी मेक सेंस भी करता है और ये बहुत बड़ा दाम है और इसीलिए शायद दुनिया खास तौर पर अमरीका भारत को अप्रीशियट भी करता है कि भारत कोई बहुत डंडोरा पीटे बगैर बैकडोर डिप्लोमेसी के हवाले से रूस के साथ चूँकि भारत के तलक हैं पुराने तलक्रात हैं और भारत की तजारत भी है अभी भी है तेल के साथ के हवाले से बहुत सेंकशनस हैं अगरचे रूस पर लेकिन भारत ओपनली कहता है कि भाई हमारी ओपन चॉइसेस हैं हमारे ऑप्शंस हैं तो अगर भारत का रूस के साथ जैसा कि पुराना तल्लक चला आ रहा है वही तल्लक चलेगा तो भारत कुछ रूस से बातें कर सकेगा तो मेरा ये ख्याल है कि ये इस हवाले से इम्पॉटेंट खबर है और मुझे इस पर कोई अचंबा नहीं है कि ऐसा अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया तो इसको दुनिया अप्रिशिएट भी कर रही होगी और यकीनी तौर पर किसी किस्म का भी पोटेंशियल न्यूक्लियर अटैक जो है

जो नुकसान है वो भरना होगा चलिए अब आते हैं रूस यूक्रेन महाज की खबरों की तरफ कि कुछ नेपाली और इंडियन नेशनल्स बिलाशुबा खबरें हैं एक लिहाज से और दूसरे एतबार से शॉकिंग नहीं भी हैं इसलिए यूक्रेन के महाज पर खासतौर पर दुनिया भर के जो दुनिया भर से लोग पहुंचे यूक्रेन जो यूक्रेनियन हैं जो कैनेडियन यूक्रेनियन है या अमेरिकन यूक्रेनियन है वो गए और फिर यूरोप से बहुत सारे लोग यूक्रेन की खातर लड़ने के लिए गए ऱाकाराना तौर पर गए और इसी तरह रूस के महाज पर भी चूँकि सदर वलादिमिर पुतन को वेस्ट तो यही कहता है कि ये एक एग्रेसर है और बड़ा गलत आदमी है इसकी बहस अलग है आ, लेकिन उनकी भी सपोर्ट बहुत है उनके अपने रीजन में स्लाविक रीजन में उनके बारे में ये सोचा जाता है ख्याल किया जाता है कि ये स्लाविक नेशंस जो बहुत बड़ी नेशंस ईस्टर्न यूरोप में बालकान में इवन बाल्टिक स्टेट्स में तो ये बहुत बड़ी पापुलेशन है सलाविक लोगों की सर्बिया व, 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 क्रोशिया तो वो लोग भी कई रजाकाराना तौर पर रूस की मदद के लिए जा रहे हैं उनका ये ख्याल है कि ये जो अपना सदर पोतन है ये वेस्ट की गलत पॉलिसियों को काउंटर कर रहे हैं और वैसे भी जंग के हमेशा से ये सोल रहे हैं कि आपके अलाइज होते हैं और आपके अगेंस्ट होते हैं और अलाइज वो होते हैं जो हम ख्याल होते हैं उस सिलसिले में हमेशा से जंगों में ऐसा होता है हाँ ये लेकिन यहाँ पे जो हम इंडियन नेशनल्स की और नेपाली नेशनल्स की बात कर रहे हैं इसमें एलाय का मामला नहीं है क्योंकि इंडियन नेशनल्स तो किसी के साथ नहीं है मेरा मतलब यह कि इंडिया जो है ना यूक्रेन के साथ है न रूस के साथ है। उन दोनों से कह रहा है कि आप जंग बंदी करें और इसी तरह नेपाल हुआ ये कि कुछ वीडियोस दो तीन महीने पहले सामने आए और ख़बरें आई पहले कि नेपाल के कोई गालबन दस ग्यारह लोग मारे गए अब अफसोसनाक बात यह है कि नेपाली कुछ शहरी रूस के महाज पर लड़ रहे हैं वो कोई नेपाली गवर्नमेंट के कहने पे नहीं लड़ रहे बल्कि वो कोई एजेंट है नेपाल में भी इंडिया में भी जो उनको रिक्रूट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको आ, अच्छी नौकरी हम दे रहे हैं अब देखिए मतलब जैसे उन्होंने कहा कि रूस में चालीस हज़ार इंडियन रुपए आपको मिलेंगे अब जाहिर है इंडिया में अब बहुत हालात अच्छे हैं लेकिन फिर भी 1.4 बिलियन पापुलेशन का देश है बहुत सारे नौजवान हैं जिनके लिए चालीस हज़ार रुपये इंडियन एक बड़ी रकम है तो वो बेचारे इस लालच में कि जी हम रूस जाएंगे हमें कोई जॉब मिलेगी उनको यही बताया गया एक एजेंट जो हैं उनका नाम है फैसल ख़ान गालबन जिन्होंने भर्ती किया और उनका एक वो बाबा व्लॉग नाम का यूट्यूब चैनल भी है जिसके तीन साढ़े तीन लाख सब्सक्राइबर हैं तो उनके मैंने यूट्यूब चैनल से उनके देखे तो वो कह रहे हैं कि जी आपके लिए बड़ी अच्छी ऑफ़र है तीन लाख रुपए आप मुझे दें मैं आपको रूस में बड़ी अच्छी नौकरी दिलवाऊंगा आप आर्मी के लिए काम करेंगे वो ये कह रहे हैं कि आप आर्मी के लिए लड़ने के लिए नहीं जाएंगे आर्मी के पीछे जो काम होते हैं उनकी सफ़ाई उनके असले की सफाई उनके जो मैनेजमेंट रूम्स की सफ़ाई वो करेंगे आप और आपको ना वो रूसी आईडी कार्ड्स मिल जाएंगे उसका ये फ़ायदा होगा कि आप उनकी बुनियाद पर जो बाल्टिक स्टेट्स हैं या स्कैंडिनेवियन स्टेट्स हैं जा सकेंगे अच्छा अब जब इंडिया के कुछ बड़े आ, मीडिया आउटलेट्स ने फैसल ख़ान से रबता किया कि भाई तुमने क्यों इनको झांसा दिया तो वो ये तो कह रहे हैं कि जी मैंने ये तो आ, आ, नहीं कहा था कि ये महाज पर लड़ने जाएंगे आ, वो मेरे कंट्रोल में नहीं था जैसे ही मैंने इनको नौकरी दिलवाई तो वो जो रूसी थे हैंडलर थे आ, या कुछ और वहाँ पे इंडियन हैंडलर थे वो उसको जा वहाँ पर पे, पे ले गए हैं और उनमें से कुछ मेरा ख़्याल दो तीन इंडियन नेशनल्स भी मारे गए हैं दस ग्यारह नेपाली नेशनल्स भी मारे गए हैं इंडियन और नेपाल दोनों की एम्बेसीज़ फ़ौरी तौर पर हरकत में आई जैसे उन्हें यह पता चला और नेपाल ने इंडिया से भी दरख्वास्त की कि वो भी अपना रूस के साथ जो असर व है उसको इस्तेमाल करे तो रूस ने आ, ज, आ, आ, रूस के साथ इंडिया ने बाकायदा बड़ी स, आ, मतलब जरा फर्म लहजे में बात की है और कहा है कि भाई ये क्यों हो रहा है तो रूस ने कुछ लोग जो पे गए हुए थे इंडियन नेशनल उनको वापस भेज दिया है तो वो जो बेचारे लोग नौकरी की तलाश में हैं वो चालीस हज़ार इंडियन रुपए से लेके कर एक लाख रुपए तक उनको बताया जा रहा है तो उनमें से दो तीन तो मारे जा चुके हैं इसका शदीद नोटिस फैसल ख़ान की इस रिक्रूटमेंट पर लिया असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो भारत के पार्लियामेंटेरियन हैं और उन्होंने फिर बताया भी कि ये जो लोग हैं ये इनफेक्ट जम्मू कश्मीर से भी इनकी भर्ती हो रही है तेलंगाना से भी हो रही है और भी रियासतों से हो रही है तो ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग मसला है इंडिया ने इस मसले को रूस के साथ उठाया उनको कहा है कि भाई ये आप क्यों कर रहे हैं चूंकि हमारे नेशनल्स आपके महाज़ों पे नहीं जाने चाहिए आ, अच्छा फिर रूस और यूक्रेन यूक्रेन भी ये काम कर रहा है यानी वही नेपाली नेशनल जो ख़बरें आ रही हैं उनमें से कुछ नेपाली नेशनल्स को यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है कुछ इंडियन नेशनल्स को भी गालबन वो इस्तेमाल कर रहा है जो अब तक की अनकन्फर्म्ड खबरें हैं और ये सिर्फ मामला इंडिया या नेपाल तक का नहीं है ये अफ्रीका से भी दोनों मुल्क लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं फिर ये आ, आ, मतलब जैसा मैंने शुरू में कहा था बहुत सारे लोग तो जो वॉल्टियरली काम कर रहे हैं इनके लिए वो तो है ही हैं, हैं ख़ास पर यूरोप से या ईस्टर्न यूरोप से दोनों के लिए दोनों देशों के लिए तो ये एक बड़ी ही आ, आ, गंदी वार है अफसोसनाकत हाँ. हाल है जिसके अंदर वर्ल्ड पावर्टी और डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ कंजम्पशन का ये जीता जागता सबूत है ये तमाम जंगें दरअसल इस बात का सबूत हैं कि इस वक्त ह्यूमन क्राइसिस किस नहज के ऊपर खड़ा है चलिए अब आते हैं वापस मज़हब की तरफ थोड़ा सा ईसाइयों के सबसे बड़े लीडर पोप ने यूक्रेन और रूस को हिदायत की है कि दोनों जंग बंदी की तरफ बढ़ें पोप का हमेशा से बहुत इन्फ्लुएंस रहा है जी आप पोप की इस हिदायत को कितना प्रैक्टिकल समझते हैं देखिए पहले तो पोप ने जब ये कहा कि भाई आ, पहले उन्होंने यूक्रेन से कहा कि भाई यूक्रेन को सफ़ेद झंडा लहराना चाहिए और नेगोशिएट करना चाहिए रूस के साथ और जंग ख़त्म कर देनी चाहिए इस पर यूक्रेन ने वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत वावेला मचाया उन्होंने कहा कि भाई पॉप रूस से क्यों नहीं कहते कि आप अपनी इन्वेजन को ख़त्म करें तो फिर यूक्रेन के सदर वला जो है विलंस्की तो उन्होंने फिर कहा भी उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि पॉप ने इस तरह अपनी हैसियत को इस्तेमाल करते हुए इस तरह की बात की है जो गलत बात है फिर पॉप के ऑफिस ने वेटिकन ने थोड़ा सा रिट्रीव किया और उसके एक दो दिन बाद कहा कि जी हम रूस से भी कहते हैं कि वो जो अपना इलीगल इन्वेजन है उसको ख़त्म करें अब सवाल यह है कि ये क्या कितना प्रैक्टिकल है देखिए ये जंग चल रही है दो साल से ज़्यादा इसको अरसा हो गया है और बड़ी तबाहकुन जंग है बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर इसमें लग गए हैं हज़ारों लोग इसमें मर चुके हैं और अगर कोई एक दो लाख लोग हो तो शायद वो भी दुरुस्त होगा एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है सिविलियंस भी फ़ौजी भी दोनों तरफ के अब तो जो मैंने पीछे बात की अब तो ये फॉरेन नेशनल्स को रिक्रूट कर रही हैं दोनों मुल्कों की आ, तो, आ, तो जंग में झोंक रहे हैं अब वैसे में ये एक कॉन्सेप्ट है कि भाई रूस से जंग यूक्रेन नहीं जीत सकता अच्छा ये मुझे भी ज़ाती तौर पर लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है या आसान नहीं है कि यूक्रेन रूस से जंग जीत सके क्योंकि यूक्रेन को कोई नेटो के फ़ौजी तो उसकी मदद नहीं कर रहे सिर्फ साजो सामान मिल रहा है और पैसा मिल रहा है और रूस बड़ा मुल्क है और जो उनका ख्याल था वेस्टर्न वर्ल्ड का कि हम रूस की इकानमी पर सेंकशनस लगा के उसको पीछे धकेल दे देंगे ऐसा हुआ नहीं मैं साफ़ कहता हूँ कि सदर पुतन ने जो हमला किया था वो एक एग्रेसन था वो नहीं करना चाहिए था किसी भी देश को किसी दूसरे देश पे अटैक का कोई हक हाँ नहीं लेकिन उनका ये कहना है कि जी चूंकि ये नेटोआ में यूक्रेन जा रहा था कुछ हिस्से यूक्रेन के हमारे थे उन्होंने पहले ही क्रीमिया को बहुत क्लेम है इस बात जी कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाँ है। वो, वो मतलब बहुत सारे हिस्सों को इंटीग्रल पार्ट कहते हैं अभी जो उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था टक्कर कालसन को उसमें तो उन्होंने यही तासर दिया कि जैसे पूरा यूक्रेन ही इंटेग्रल पार्ट है तो अब सिचुएशन ये है कि अगर रूस मैं तो ये कहूँगा ये हमाकत ना करता ये ज्यादती ना करता तो क्या हो जाना था यूक्रेन ज्यादा से ज्यादा नेटो में चला जाता ठीक है यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में चला जाता बाकी भी तो इर्द गिर्द के मुल्क यूरोपियन यूनियन में नेटो में हैं जो रूस के साथ हैं तो वो रूस को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं तो अब बल्कि रूस के लिए भी बहुत मुश्किल है कि कैसे इस जंग को वो नगले कैसे से बाहर आए इस जंग की जो छुपकली है उसको कैसे निकले तो उधर यूक्रेन के लिए भी मसला है उनके भी हज़ारों फौजी मारे जा चुके लेकिन तो इंस्टीट्यूशन भी तो एक प्रॉब्लम है ना बाई से ज्यादा बढ़ गया आपका क्या ख्याल है ये जो फाशिज्म है सोसाइटीज़ में अब वो हर तरफ बढ़ रहा है मैं उसको पोलराइजेशन भी कहूँगा तो फाशिजम की जो एक नई शक्ल है वो पोलराइजेशन है एक दूसरे के साथ पूरी दुनिया में हमारे साउथ एशिया से लेके अमेरिका तक एक दूसरे के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल पार्टियों की अफराद की इंटेलेक्चुअल्स की मीडिया की ऐसी वो जंग बंदी है ऐसा वो जैसे कहते हैं सर्द माहौल है जिसकी बुनियाद पर अब ये पोलराइजेशन ऐसी हो गई कि को कोई किसी के साथ मिल बैठने को तैयार नहीं यानी वो जो डिसकोर्स हैं वो पॉसिबल ही नहीं छोड़े अब तो ये ये हालात हो गए तो इस पोलराइजेशन की वजह से फाशिज्म भी बढ़ गई है और फाशिज्म की अब नई शक्ल में है, वैसे यही समझता हूँ चलिए भारत की तरफ चलते हैं भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया गया है भारत की ओपोजिशन बीजेपी सरकार को लताड़ रही है ऑफकोर्स आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं देखिए बात यह है कि सी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में भारत की पार्लियामेंट में अक्सरीत के साथ मंजूर हो गया था फिर उसके बाद शदीद एहतजाज हुए ख़ास तौर पर दिल्ली में शहीनबाग के इलाके में हाँ गलबन आपको याद होगा पिछले बरस अभी जो हम दो हफ्ते पहले इंडिया थे तो हम नहीं गए उस इलाके में लेकिन पिछले बरस हम गए थे शहीन बाग का वो इलाका देखा मैं मुझे तजस था कि भई आफ्टरऑल वो शहीन बाग क्या है तो वो ये पता चला कि इनफेक्ट उस इलाके का नाम है शायद वहाँ पर कोई ऐसा बाग वाग ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है कोई छोटे मोटे पार्क वार्क हैं लेकिन सड़कों को रोक दिया था वो जो शहीीन बाग के मेरा ख़्याल है कोई साल डेढ़ साल के जो प्रोटेस्ट ने काफ़ी ज़िंदगी दिल्ली में अजीरन करते थे और शाहन बाग इलाके का नाम है ए, इलाके का नाम क्योंकि अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे कि ओल्ड वो की ओर ये बाग है ये। अब इलाके हैं जिनको छोटे मोटे पार्क भी हैं हाँ, है वहाँ पे हाँ, लेकिन शाहीन बाग एक पूरा एरिया है वो पूरा जिसको एरिया शाहीन बाग कहा जाता जा तो वो मैंने सड़क हमारे दोस्त तस्नीफ हैदर भाई ने दिखाई की भाई ये वो इलाका था तो जब वो सड़कें जो ब्लॉक कर दी तो वो काफी मतलब दिल्ली पैरालाइज हो गया था और फिर कोविड आ गया था जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी से ऑनवर्ड तो फिर मेरा ख्याल है जब कोविड बढ़ना शुरू हुआ फरवरी मार्च में तो तब ये कहीं प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ क्योंकि उसकी शुरू में तो कोविड ने पूरी दुनिया को हिला दिया था ना तो बहरहाल अब यह है कि सी ए को गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है अब अपोजिशन ये कह रही है कि भाई ये इलेक्शन से पहले क्यों लागू किया है ये आ, इसका फ़ायदा बीजेपी की सरकार लेना चाहेगी ऑफकोर्स जो भी इनकम्बेंट पार्टी होती है वो कोई ना कोई फ़ायदा जितना भी हो सकता है वो लेना चाहेंगे मगर ये कानून 2019 में पास हो चुका था भारत की पार्लियामेंट से तो एक ओपोजिशन का ये एतराज़ है कि भाई आपने अभी क्यों किया दूसरा ये एतराज़ है कि जी इसमें वो फिर कम्यूनल कार्ड अपोजिशन भी खेलती हैं मीडिया भी खेलता है कि जी इसमें आपने जो छः माइनॉरिटी कम्यूनिटीज़ रखी हैं क्रिश्चंस हिंदू सिख पारसी जैन बुद्ध कि ये पाकिस्तान बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान से ये तीन मुल्कों के लिए लॉ ये भारत अगर आना चाहेंगे तो इनको सिटीज़नशिप मिल जाएगी ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद लोगों की बैठी हुई है जो ख़ास तौर तो पर हिंदू कम्यूनिटी के हैं कुछ सिख भी हैं जो भारत पहुँचे हुए हैं पाकिस्तान से गए हुए हैं और उनके पास सिटीज़नशिप नहीं है राजस्थान में हमारे दोस्त हैं डॉक्टर उमिंद्रा जी वो इस पर बहुत काम करते हैं इसी तरह और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो बेचारे इस पर काम कर रहे हैं तो दिल्ली में एक जगह है वो वो एक टीला है गालबंद मजनू का शायद टीला वहाँ पे भी एक कम्यूनिटी है और दिल्ली में और भी बहुत सारे इलाकों में इस्लम्स भी हैं जहाँ पे ये बेचारे लोग हैं इनके पास कोई सिटीज़नशिप नहीं है तो अब उनको उम्मीद हो चली है चूँकि ये लागू हो गया है अब उनको सिटीज़नशिप भारत की मिल जाएगी अपोजिशन ये कह रही है कि जी इससे वो एक तो अपोजिशन प्रॉपागेंडा कर रही है कि जी ये जो मुस्लिम्स जो हैं ख़ास तौर तो पर जो रोहिंग्या के आए हुए हैं या बिहार आ, में जो बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम्स हैं या असम नॉर्थ की ईस्ट की जो रियासतें हैं कि भाई इनकी वो यहाँ तक कह रही है अपोजिशन कि इनकी जो, जिनके पास सिटीजनशिप है इनकी सिटीजनशिप रिवोक दी जाएगी और जिनके पास अभी नहीं है उनको कभी मिलेगी नहीं तो मेरा नहीं ख्याल को, को रिवोक की जाएगी वो मेरा नहीं ख्याल का मामला नहीं है ख़ुद भारत की सरकार वाजे तौर पर कह रही है अमित शाह जी वाजे तौर पर कह रहे हैं कि भाई इस बिल का कोई तल्लक नहीं है सिटीजनशिप वापस लेने से इस बिल का तल्लक है सिटीजनशिप देने से और सिटीज़नशिप उन प्रोसिक्यूटेड कम्यूनिटीज़ को मिलेंगी जो इनफैक्ट गलबा 18 अप्रैल 1950 का एक आ, पैक्ट था जिसको नेहरू और लियाकत पैक्ट कहते हैं चूँकि फोटी सेवन की जो है पार्टीशन के बाद मुस्लिम्स जो हैं वो वहाँ से मतलब इधर आए पाकिस्तान आए कोई मत मतलब पाकिस्तान हाँ, हालाँकि पाकिस्तान में ऑलरेडी मुस्लिम्स की अक्सरियत थी असल मसला मेरा ख़्याल है मुस्लिम्स तो कम ही आए थे पाकिस्तान में वो बेचारे जो हिंदू और सिख थे वो मारे गए जो जो पाकिस्तान में थे जैसे देखिए ना लाहौर हिंदुओं का सिखों का शहर था आज मेरा ख्याल है लाहौर में बड़ी मुश्किल से एक हिंदू मिलेगा लेकिन दिल्ली में तो आज भी हमें मिलियन मुस्लिम से मिलते मुस्लिम हैं मुस्लिम मोहल्ले हैं जी मतलब मतलब मत, मिलियन मतलब जितनी आबादी पाकिस्तान में मुसलमानों की है उससे थोड़ी कम ही इंडिया में मुसलमानों की है तो ये सिचुएशन बहुत डिफरेंट है अब मसला ये है कि अपोजिशन ये कह रही है क्योंकि अपोजिशन का मकसद ये होता है कि उसको कार्ड खेलना हालांकि ये जो पैक था ये खुद कांग्रेस की जमात नेहरू और पाकिस्तान में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे लियात अली ख़ान उनके दरमियान हुआ था कि भाई और मेरा ख्याल है इस वक्त तो चेंजिंग सूरत हाल जो डायनेमिक्स की चेंज है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड इमिग्रेंट्स की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं क्योंकि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसके साथ साथ मैनेजमेंट के बहुत मसाइल हैं तो मेरा ख्याल है ये सोलूशन के तौर के ऊपर बिलाकर ये लॉज लागू होने ही होते हैं एक चेंज के एक सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू रियलिटीज़ के इसमें इमिग्रेशन से ज्यादा तल्लक इस बात का है कि इनफैक्ट जो प्रसिक्यूट माइनॉरिटीज़ हैं भारत का हमेशा से ये मौक़ रहा चूँकि पाकिस्तान में कोई डक्की छुपी बात नहीं कि हिंदुओं के साथ सिखों के साथ इवन क्रिश्चियंस के साथ कितना बुरा सलूक होता है वहाँ मेरा हाल बुद्धिट या पारसी या जैन तो बहुत कम होंगे होंगे वो भी उनके साथ भी उनको भी ख़ासतौर पर जो बुद्धिट हैं या जैन हैं उनको भी हिंदू ही कहा जाता है वो भी सनातन ही है पाकिस्तान में तो इस तरह की वो डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते ना ए, ये इस पे बात नहीं होती हाँ लेकिन ख़ुद पाकिस्तान के अंदर अब एम डी ओ के साथ कितना बुरा सलूक होता है शीयों के लिए मसले रहते हैं हज़ारा के लिए रहते हैं वहाँ तो एथनिक कम्यूनिटीज रिलीजियस कम्यूनिटीज को छोड़िए एथनिक कम्यूनिटीज़ के साथ बहुत बुरा सलूक होता है तो ये इनफैक्ट जो पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान की प्रोसिक्यूट माइनॉरिटीज़ हैं उनको सेटल करने के लिए है अब अपोजिशन का ये कहना या कुछ मीडिया का ये कहना कि जी मुसलमानों के हकूक इसमें कहाँ हैं भाई मुसलमानों के हकूक पहली बात यह कि इस बिल की वजह से कोई ख़राब नहीं हो रहे वो वहीं के वहीं है ना उनकी सिटीजनशिप को वापस ले रहा है जो मतलब आ, बाद में वहाँ पर जिनकी सिटीजनशिप हुई कोर्स जो नस्लों से मुसलमान रह रहे हैं उनके बारे में तो खैर कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना तो चलिए अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान में नई सरकार बन गई है आईएमएफ से कर्जा लेने की बातचीत भी चल रही है भारत के साथ मुमकिन तजारत और ताल्लुक की भी बात चल रही है आप पाकिस्तान की सियासत इकॉनमी और पाक भारत के ऊपर क्या तबसरा करना पसंद करेंगे देखिए ये काफी लोडेड क्वेश्चन है इसमें तीन बातें हैं एक तो पाकिस्तान की नई सरकार बन गई तो पाकिस्तान की सियासत का क्या होगा दूसरा इसका हिस्सा है कि इकॉनमी का क्या रोह होगा तीसरा ये है कि पाक भारत ताल्लुक इस सरकार के बनने के बाद पाकिस्तान में बहस हो रही है कि जी वो पाकिस्तान को पुश करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को टमाटर चाहिए प्याज चाहिए भारत से मिल जाएंगे मतलब इस हद तक वो पाक भारत लात दुरुस्त करना चाहते हैं खैर मैं वन बाई वन आता हूँ पाकिस्तान की सियासत पर तो ऑनेस्टली बात करते हुए ना मैं बोर हो जाता हूँ कभी हम करते हैं कभी कभी करते हैं वो तो मतलब कितनी उस पर बात कर सकते हैं कहीं इलेक्शन हुआ इंसाफ का वही रोना है सरकार का वही रोना है इस्टेबलिशमेंट का वही रोना है मीडिया का वही रोना तो रोना तो नहीं है चूँकि मसाइल जूँ के तू हैं वो हाल तो होने नहीं है लेकिन चलिए अब ये है कि ये बात तय है, है कि इस वक्त की पाकिस्तान की जो सरकार है वो पिछली सरकारों की तरह एक आ, मतलब आर्मी ड्रिवन पाकिस्तान आर्मी ड्रिवन सरकार है चूँकि वहाँ सरकार इसके अलावा चल ही नहीं सकती तो अभी जो ख़बर आई कि वो एक जो पाकिस्तान का प्रोविंस है खैबर पख्तूनखा उसमें तरीकान इंसाफ की गवर्नमेंट बनी है जिसमें अमीन गंडापुर गालबन उनका नाम है वो बने हैं चीफ मिनिस्टर तो वो ख़तरा था कि शायद प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका फड्डा होगा लेकिन अभी वो मिले हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ तो बड़ी अच्छी उनकी मुलाकात रही है और उन्होंने खुद ही कहा है कि हम हमारी बात अच्छी मुलाकात हुई उन्होंने कहा जी कि सियासत अपनी जगह पे अब वो सियासत को ज़रा पीछे रखते हैं मसाइल हल करते हैं तो ये एक पॉजिटिव है अगर ये एक पॉजिटिव अप्रोच है तो ये पॉजिटिव अप्रोच मुझे नहीं लगता कि आर्मी के डंडे के बग़ैर आई होगी आर्मी ने डंडा दिखाया होगा गंडापुर को चूँकि नवाज शरीफ तो आर्मी के साथ ऑलरेडी ऑन बोर्ड है उनको कहा होगा कि भई तुम लोगों ने अगर रहना है हुकूमत में अगर इंसानों की तरह रहना है तो इसके साथ चले सरकार के साथ चले वरना गवर्नर राजा आ जाएगा वहां पे हाँ मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त सर्वाइवल ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी और बहस से या yeah, एब्सोल्यूट। अच्छा फिर उसके बाद अब पाकिस्तान की सियासत इसी तरह ही है चलती रहेगी अब देखेंगे आने वाले दिनों में कि ये आर्मी और ये जो मौजूदा पॉलिटिकल सरकार है ये कितनी ऑन बोर्ड रहती है वैसे मैं ये मानता हूँ कि जो प्रेसिडेंट हैं वो भी सीजन आदमी आसफ़ अली जरदारी जो शहबाज शरीफ़ हैं वो पी की उनकी पहली सरकार बनी थी उस वक्त उनके पास अ, मैंडेट नस्बता कमज़ोर था अब ज़रा बेहतर है अब उनके साथ आर्मी ज़रा ज़्यादा ऑन बोर्ड है तो दोनों ये सीजन पॉलिटिशन है और कारदगी भी बहुत बेहतर हाँ है दोनों सीजनड हैं और दोनों मतलब लड़ाई अननेसेसरी लड़ाई से बचने वाले लोग हैं तो ये एक अच्छा रवैया है अब इसी बुनियाद पर अब पाकिस्तान में ये भी बहस चल रही है कि भाई भारत के साथ हम तल्लक अच्छे कर लें अब सरकारी तौर पर तो नहीं कहा जा रहा अब भारत और पाकिस्तान के तल्ल के हवाले से कोई पेशरफ़ नहीं हो सकती जब तक भारत के इलेक्शन जो गालबन आ, मेरा ख़्याल है अप्रैल से शुरू होंगे आ, वोट डलना उसके रिजल्ट शायद मई के आखिर या जून के शुरू में आएंगे जब तक रिज़ल्ट ना आए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ना हो या कोई भी वहाँ पर इलेक्ट होगा जो भी तो य, या तो इनकी ही नई सरकार होगी जिसका ज्यादा इम्कान है प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहरहाल जो भी नई सरकार बनेगी भारत की जो भी रियलेक्ट होगा इन केस मोदी जी तब ये बातचीत भारत की तरफ से आएगी लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारत इस वक्त बहुत सख्त शर्तें दे रहा है और उनका सख्त शर्तें देना ज़रूरी भी है वो पाकिस्तान से कह रहे हैं वो बीच में उन्होंने यू ए सऊदी अरब को डाला हुआ है, कि भाई आपके साथ तल्लक़ हम तभी अच्छे करेंगे जब हमें एश्योरेंस हो कि आपकी तरफ से हमें कोई बदमाशी या टेररिज्म का या प्रॉक्सी टेररिज्म का सामना नहीं करना पड़ेगा अभी तो भारत ने इवन आई को भी कह दिया कि भाई पाकिस्तान को कर्ज़ा देने से पहले ये मेक श्योर किया जाए कि ये असला डिफेंस पे इस्तेमाल सॉरी जो पैसा पाकिस्तान को कर्जा मिलेगा ये डिफ़ेंस पे इस्तेमाल नहीं होगा ये कर्ज़े जो हैं पुराने अदा करने में इस्तेमाल नहीं होगा तो भारत ने तो वहाँ भी अपनी सख्त लॉबी कर दी तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में ये जो है ना पॉलिटिशियंस और ख़ास तौर पर जो टीवी के बड़े बड़े मुबसर हैं वो ये बार बार कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ है कि भारत के साथ तलकार अच्छे कर ले एक अच्छा मैसेज भेजे लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत से भी पूछ लें कि भारत क्या आपके साथ बैठने को तैयार है क्योंकि भारत का जो मिसट्रस्ट है आप पे वो बड़ा गहरा है और उसकी बड़ी गहरी बुनियादें हैं तो भारत आपके साथ तभी बैठेगा पहली बात ये है इलेक्शन तक तो कोई बात ही नहीं होगी जब तक भारत में इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता उसके बाद अगर कोई बातचीत का इम्कान है तो फिर यूएई सऊदी अरब को पीछे आना पड़ेगा और इश्योरेंस पाकिस्तान की तरफ से भारत को चाहिए भारत को अपना टमाटर प्याज बेचने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान को वैसे भी ये जरूरत के ताल्लुकात हैं जिनके ताल्लुकात का एक नया पेज है ना जिसके अंदर हर चीज वाजे है कि अब ये जरूरत के तहत ताल्लुकात हैं तो उसके अंदर कौन क्या इनपुट देता है ये बात बहुत अहम होती है और इसके ऊपर ही आगे नया नेटवर्क नए नय ताल्लुक की बुनियाद पड़ती है और ये बात भी अंडरस्टैंडेबल है कि जिस मुल्क के अपने इलेक्शन अभी चल रहे हैं वो आपको वाज कोई भी प्रोमिस दे ही नहीं सकता जब तक कि उनकी नई सूरत हाल नई वाज शक्ल नज़र नहीं आती चलिए आखिर में हम बात करते हैं अपने घर की यानी कि कैनेडा की कि रिसेंट पोल्स हमें ये बताते हैं कि कैनेडा में इलेक्शन हों तो जस्टिन ट्रूडो और जगमीत सिंह की पार्टियाँ बुरी तरह हारेंगी कैनेडा की सियासत किस तरफ को जा रही है देखिए अभी तो कोलिशन गवर्नमेंट है जस्टिन टूडो और जगमीत सिंह की पार्टियों की लिबरल और एन की जिसकी वजह से ये जो माइनॉरिटी सरकार है ये खड़ी है अगर ये कोलिशन किसी वक्त टूट गया और आ, फिर इलेक्शन कॉल होंगे अगर आज इलेक्शन कॉल हो जो आज के पोल्स बताते हैं तो आ, जस्टिन टूडो बुरी तरह हार जाएंगे अगर आज ही इलेक्शन हो बहुत रिसेंट दिनों में अगर इलेक्शन हो तो बुरी तरह हार जाएंगे पोल्स के मुताबिक जगमीत सिंह भी बुरी तरह हारेंगे और कंजर्वेटिव पार्टी क्लीन स्वीप करेगी यानी उनकी मेजोरिटी सरकार बनती नजर आ रही है यानी उसमें कोई कोल्यूशन का इम्कान ही नहीं है वो सीधी सीधी क्लीन स्वीप करेंगे और मेजोरिटी बनेगी अब जस्टिन ट्रूडो की जो मकबूलीत में कमी हुई है उसके कई फैक्टर्स हैं एक फैक्टर तो ये है कि एक ही चेहरा को दस सालों से ग्यारह सालों से चला आ रहा है तो लोग बोर हो जाते हैं फिर जस्टिन टूडो साहब की जो इंटरनेशनल पॉलिसियाँ हैं जो इकनॉमिक पॉलिसियाँ हैं वो बड़ी डिजास्ट्रस किस्म की रही हैं अब आ, पहले तो जो मेन स्ट्रीम कैनेडियंस हैं जो जिनको हम सेटलर्स बोलते हैं वो इनसे बड़े तंग थे अब तो ये हाल हो गया है कि जो मतलब नए इमिग्रेंट्स कैनेडियंस टाइप हैं जैसे हम लोग हैं हमें भी अगर छः पच्चीस साल हो गए हैं यहाँ पे लेकिन अगर हमें भी आज तक मतलब न्यू सिटीजन ही कहा जाता है तो आ, और जो कम्यूनिटीज़ आई हैं गुजत सात आठ सालों में खास तौर पर मिडल ईस्ट से बहुत सारे इमिग्रेंट्स आए भारत से बहुत आ रहे हैं स्टूडेंट्स भारत से बहुत आया था वो सेटल हो रहा है उसमें से तो वो सारे के सारे इवन वो भी वो कम्यूनिटीज़ भी टूटो के ख़िलाफ़ है मतलब उनकी मेजोरटी जो पोल्स बताते हैं तो जस्टिन टूडो साहब ने 10-11 साल में काफ़ी मैस किया है हर एतबार से तो वैसे भी चेंज ऑफ फेस तो पूरी दुनिया में होता है कि दस ग्यारह साल के बाद बन, मतलब लोग तंगा चाहते हैं ये तो शायद भारत ही है जिसमें मोदी जी को लोग देखना चाहते हैं और मेरा ख़्याल है लोग भूल भी जाते हैं कि जो चेंजेस हुई वो उनकी बुनियाद कैसे हुई और फिर उसके साथ साथ मेरा ख्याल है जो होप्स और एक्सपेक्टेशन होती हैं वो भी विद द टाइम क्लियर होती चली जाती हैं तो उसके बाद फिर एक चेंज आना नेचुरल प्रोसेस है क्या कहेंगे आप हाँ वो चेंज आना भी प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है फिर मतलब जस्टिन टूडो ने इतना मैस किया सोशल मीडिया पे आप देखिए उनकी इतनी मुखालफत है लोग इतने तंग आए हुए हैं नेक टू नेक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मसले में अजीबो गरीब वो स्टेटमेंट दे देते हैं डाइवर्सिटी uh, के मसले हो तो वो डाइवर्सिटी ऑफ थाट्स को अप्रीशिएट नहीं करते डाइवर्सिटी ऑफ फेसिस को अप्रीशिएट सिर्फ करते हैं कि भाई डाइवर्सिटी की जब बात होती है तो डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज़ भी तो सबसे बड़ी बात होती है ना लेकिन उनको अपने वोट बैंक से चक्कर होता है लेकिन अब ये हुआ है कि उनका जो अपना वोट बैंक है वो भी डामा डोल हो गया है काफ़ी डामा डोल हो गया है और वो वोट बैंक भी अब टूट रहा है जो उनका जिसको वो अपना वोट बैंक समझते हैं तो अगर आज इलेक्शन हो तो टू सब पक्के हारे चलिए आज का बिला तकल्लुफ शो हमारे साथ बिला तकल्लुफ तबसरों का बहुत शुक्रिया आपके साथ हम शो करते रहेंगे आज का बिला तकल्लुफ मेरे और ताहिर असलम गोरा के साथ देखने का बहुत शुक्रिया आप हमारे टैग टी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियन पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.